खबर है, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर जो है वो पटना लाया गया है। दिल्ली से विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जा चुका है। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया जा रहा है, जो अब तस्वीर सामने आई है। और वहां पर सुशील मोदी के चाहने वाले किस कदर जो है वो लोगों के लिए काम करते थे और पार्टी के लिए, और रिश्तेदार उनके अंतिम दर्शन करेंगे। खास बात है कि देखिए वो यहाँ पे दधीची देहदान समिति का उन्होंने निर्माण किया था, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो है इनकी संस्था मानी जाती है, जहाँ पे खुद उन्होंने देहदान किया और अपने साथ साथ हजारों लोगों को अगर कहें तो इस काम के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो सीधा राजेंद्र नगर ले जाया जा रहा है और उसके बाद पार्टी ऑफिस होते हुए, विधानसभा होते हुए यहाँ पे दीघा घाट पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और रविश नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव भी जुड़े हुए हैं। रवि, पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है और साइड से बात है, सबकी आंखें नम है, आप वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? पार्थिव शरीर को कहां कहां ले जाना है, श्रद्धांजलि दी जानी है? जी बिल्कुल, अब तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए सबसे पहले रनवे पे यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यहाँ पे विशेष वाहन से इनके पार्थिव शरीर को उनके राजेंद्र नगर आवास जो है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। और सबसे खास बात बताऊं कि देखिए यहाँ पर जब उनके पार्थिव शरीर को जब श्रद्धांजलि देने की बारी आई तो तमाम जो राजनीतिक बंधन और राजनीतिक जो कहते हैं कि आपसी हताश वो मिटती हुई दिखाई पड़ी। यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिखाई पड़े, शकील अहमद खान दिखाई पड़े, अलग अलग दलों के जो तमाम जो नेता हैं वो दिखाई पड़े। ये बताता है कि इनका कद किस कदर था। राजनीतिक आपसी मतभेदों के बाद भी जो अपने व्यक्तिगत जो संबंध हैं और जो व्यक्तिगत उनकी जो सोच है वो कितनी बड़ी रही है। तो यहाँ से अभी जो पार्थिव शरीर है वो सीधा राजेंद्र नगर उनका जो आवास है वहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर वहाँ के बाद सीधा बीजेपी कार्यालय जो है वो ले जाया जाएगा और विधानसभा में थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सीधा दीघा घाट पर ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए सबसे खास बात है जो उनका जो पार्थिव शव है वो तिरंगे में लपेटा गया है, तिरंगा जो शान है और वो बताता है। तो जिस ढंग से उनका जो कद रहा है वो उसको देखते हुए बीजेपी सम्मान के साथ यहाँ पे, और पीछे काफिला को अगर आप देखेंगे तो लगातार जो मंत्री हैं सभी लोग जो हैं उस काफिले में मौजूद हैं। और सबसे खास बात ये है कि देखिए दधीची देहदान जो समिति है उनकी बनाई हुई वो सबसे खास है, क्योंकि उन्होंने इस संस्था के जरिए आपको बता दें कि कम से कम हजारों लोगों को देहदान करने के लिए प्रेरित किया है। उस अगर आप जीवित हैं तो यहाँ पे संदेश भी लिखा गया है कि अगर आप जीवित हैं तो आप रक्तदान करें, और लेकिन निधन के बाद अपने शरीर के अंगों को जरूर दान करें ताकि लोगों को यहाँ पे जो जरूरतमंद है उन्हें ये मिल सके। तो ये लगातार अब देखिए काफिला जो है एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ और यहाँ पे सीधे जो है ये काफिला राजेंद्र नगर की ओर चल रहा है, और पीछे में उनके जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, तो वो सुशील मोदी अमर रहे के नारे जो हैं वो लगातार लगा रहे हैं। तो यहाँ से अभी से थोड़े वक्त के बाद जब ये राजेंद्र नगर सारे लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद यहाँ से ले जाया जाएगा। रजनीश जी हमारे साथ है, बड़ी दुखद खबर आई, बहुत ही पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, मेरी तो व्यक्तिगत क्षति है। सुशील जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक स्तंभ थे और उनके इस तरह से निधन से पूरी पार्टी आज मरमाहत है। मैं उनके साथ जितना काम किया और जिस तरह से मुझे अवसर उन्होंने दिया था, मैं तो मानता हूं कि यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में इसकी भरपाई कैसे होगी मुझे नहीं लगता। ये सबसे बड़ी बात है कि ये भरपाई कैसे होगी वो किन्हीं को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, वो बेहद खास रहा है। और
यही कारण है कि हर कोई उसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के हैं कि जिस ढंग से उनके काम करने का तरीके रहे हैं कि एक हर ट्वीट जो है उनका एक खबर बनता था, और जिस ढंग से कंटेंट उन्होंने देते रहे हैं, जिस ढंग से लगातार सवाल उठाते रहे, वो बड़ा विशेष रहा है। देखिए, युवा हैं आप और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, सुशील मोदी के जो काम करने का तरीका है कितनी सीख मिलती है और कैसे? देखिए, उनका जीवन हम लोगों के लिए एक आदर्श है, एक मूल्य है। मुझे आज भी याद है कि जब भी हम लोगों का किसी अखबार में लेख छपता था तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का फोन आता था तो वो सुशील जी का ही फोन होता था। हमारे लिए सुशील जी तो चाचा थे, चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे, और निश्चित रूप से संपूर्ण बिहार के लिए, बिहार बीजेपी के लिए एक ऐसी शून्यता आ गई है जिसको भर पाना हम लोगों के लिए बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे संजीव चौरसिया हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक। संजीव जी, बिल्कुल ये वक्त बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है हम लोग ऐसे नौजवानों को। तो खैर, जो मार्गदर्शन देने का काम किए विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक, यानी शुचिता, संघर्ष और समाज सेवा का कैसे भाव हो सकता है, उसके उदाहरण एकमात्र सुशील मोदी ही थे। तो सबको मन में दुख भी है, और शुचिता के साथ राजनीति करने का एक दिशा उन्होंने जो मापदंड दिया है बिहार के, इसके लिए ये अनुकरणीय है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये देखिए, उनकी सबसे खास बात रही है कि जिस शुचिता के साथ उन्होंने काम किया, बेदाग रहे, हमेशा निर्विवाद रहे, कभी कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं हुआ, ये उनके लिए सबसे खास है, और नई पीढ़ी के लिए एक ढंग से कहें तो काफ़ी प्रेरित करने वाला है। और यही तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जिस ढंग से काम किया है, और किसी भी वक्त ऐसे मुश्किल दौर में भी आए हैं, जिस ढंग से उनका जो उत्कर्ष रहा है और जिस ढंग से उन्होंने खुद स्ट्रगल किया है, उस नया युवा चेहरा लोगों के लिए एक ढंग से कहें कि प्रेरित करने वाली बात है। और यहाँ से देखिए, काफिला जो है एयरपोर्ट से निकलकर सीधा जो है राजेंद्र नगर आवास की ओर बढ़ चला है, और थोड़ी देर में जब वहाँ पहुँचेगा उसके बाद बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, और कल तस्वीरें भी आपने भेजी थी उस राजेंद्र आवास की, राजेंद्र नगर स्थित जो आवास से सुशील कुमार मोदी का, वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी परिवार के लोगों की अगर बात करें तो परिवार के लोगों में किन किन की मौजूदगी है? जी बिल्कुल, देखिए परिवार में तमाम जो लोग हैं वो मरमाहत हैं, और एक ढंग से कहें कि उनके जो लोग भी हैं, उनके भाई हैं, उनके साथ में यहाँ पे पत्नी और बेटे जो हैं दोनों पहुँचे हुए हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, और जेपी आंदोलन से लेकर जब तक उनकी सांसें चलती रहीं वो भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता के लिए ही सोचते रहे। राज्यसभा में जब मेरा नामांकन होने वाला था तो उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा कि धर्मशिला मैं आशीर्वाद देने आऊँगा। वो मेरे परिवार के सदस्य थे, लगातार उनसे प्रेरणा मिली और उनका आशीर्वाद मिलता रहा, राजनीति में उंगली पकड़ के सिखाए मुझे। आज सच में बहुत मरमाहत हूँ, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल धर्मशिला जी, चूँकि यहाँ पे जो राज्यसभा जाने की बात आई थी तो आपका नाम भेजा गया था, और ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा कि नहीं सुशील मोदी नाराज हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ करके आपकी पीठ ठोका, उन्होंने शाबाशी भी दी। खुद से मुझे उन्होंने कॉल किया कि मैं आऊंगा धर्मशिला तुम्हारा कब्र में सुना, और पीठ ठोके आशीर्वाद दिया। उस क्षण को भुला नहीं सकती मैं, लेकिन कोशिश करूंगी उनके आशीर्वाद जो है उनपे खड़ी उतरने का प्रयास करूंगी। तो बिल्कुल देखिए, ये धर्मशिला देवी जो इस बार राज्यसभा सांसद गई है, और इनके आंख भी नम है, और लगातार इस बात का हर कोई जिक्र कर रहा है कि जिस रास्ते पर वो चले, जिस ढंग से वो चले, उस रास्ते पर चलने की कोशिश जो है वो की जाए। इनका जाना कितना दुखद है? बहुत ही दुखद है। पार्टी के लिए निकट भविष्य में भरपाई करना मुश्किल है। जिस प्रकार से सुशील मोदी जी एक एक व्यक्तियों की, एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता पूरे बिहार की करते थे, ये अपने आप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सबको जानने वाला हो, सबके सुख दुख के भागी रहा करते थे। कोई घटना उनको पता चल जाए, छोटी भी घटना, तो उसको बहुत प्रमुखता से, जब उनको फुर्सत मिले तब उन कार्यकर्ता को उनसे बात करते थे। उनके घर परिषद में आप भी रहे, विधानसभा में आप भी रहे, बड़ा लंबा समय गुजरा, कुछ ऐसी यादें हैं जो लगता था कि हाँ वही कर सकते थे? हम सब लोग को सीखने की उनसे बहुत मौका मिला, और मैं प्रवक्ता के नाते कोई बात बोलता था
तो कोई अगर लाइन भी गलत हो जाती थी, कोई शब्द थोड़ा इधर से उधर हो जाता था, तो तुरंत फोन कर कर करके इस बात को दर्शाते थे कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, ये लाइन उचित नहीं था, इस लाइन को बोलना चाहिए था। तो ये अपने आप में एक था कि एक एक चीजों पर उनका नजर रखना जो है से, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बड़ी बात थी। और देखिए लगातार लोग जो श्रद्धांजलि देकर यहाँ से एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, और जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो तमाम लोग मर्माहत हैं और इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर वो चले, जिस ढंग से उन्होंने राजनीति की निर्विवाद रूप से बिना कोई संकोच किए हुए मुश्किल दौर में भी इन रास्तों पर आगे चलने की कोशिश की जानी चाहिए, और सम्राट चौधरी हों या बीजेपी नेता विजय सिन्हा, तमाम लोगों का कहना है कि उनकी कमी जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, तो ये नेता श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, दुख भी अपना व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है और लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी को लेकर के। बिहार बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है, और बिहार बीजेपी के नेता कैसे याद कर रहे हैं सुशील मोदी को, सुमो को? जी बिल्कुल, देखिए बिहार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि देखिए जिस समय से बिहार बीजेपी की स्थापना हुई उस समय से ये जो है वो जुड़े हुए थे, और छात्र आंदोलन से लेकर के अब तक जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत स्तंभ बने रहते थे। और यहाँ तक कि आप जरा देखिए कि जिस समय बिहार में बीजेपी बिल्कुल कमजोर हालत में थी, वहाँ से लेकर के और 55 सीटों तक ले जाने का जो मजबूत काम किया है वो सुशील कुमार मोदी ने किया है। और सबसे खास बात उनकी जो रही है, वो खास बात ये कि जब भी उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर लगभग एक दशक जो है उन्होंने बिहार सरकार का बजट पेश किया है, और बजट पेश करने में नीतीश कुमार के साथ उनकी जो दोस्ती रही है, और जिस ढंग से उन्होंने आर्थिक बजट पेश किए हैं वो मिसाल रहा है। लगातार बजट के आंकड़े भी बढ़ाए हैं, लगातार हर वर्ग को जो मिलना चाहिए उसे भी देने की कोशिश की गई है, और यही कारण है कि जो पूरे देश भर में GST लागू हुआ, जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के जो मेंबर हैं वो सुशील कुमार मोदी बनाए गए। तो ये उनकी एक खास विशेषता रहती थी कि किसी विषय पर अगर बोलना है तो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यही वजह रहा कि जब लालू प्रसाद यादव लगातार सरकार में थे, उन पर जब सवाल खड़े किए जाने लगे तो लगातार तथ्यों के साथ वो सामने आए, और आके बार बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बड़े सवाल खड़े करते थे, तो उनका एक अंदाज था काम करने का, और ऐसे अंदाज था कि वो तथ्यों के साथ बात करते थे, ना कि सिर्फ बातें जो है शब्द कहने के लिए है। और यही कारण है कि हर जगह कहीं पे भी वो जाते थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, उनके लोग जो हैं वो जुटते थे, और बीजेपी को जो मजबूती प्रदान की जाती है, पूरी की पूरी कैबिनेट कैसे चलती है, कैसे लोगों को अपने लोगों को जोड़ कर रखना है, वो तमाम चीज़ें जो है वो जोड़ कर रखते थे। तो कह सकते हैं कि इनकी जो कमी है वो निश्चित रूप से बहुत फलने वाली है। जी बिल्कुल, तो राजेंद्र नगर स्थित आवास उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। आगे का भी थोड़ा सा हम शेड्यूल समझेंगे कि अंतिम संस्कार जब होगा, कौन कौन से नेता उस वक्त शामिल होंगे, किन किन लोगों की मौजूदगी होगी, विधानसभा कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ से जब पार्थिव शरीर जो है वो राजेंद्र नगर उनके जो आवास है वहाँ पे ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे परिवार के लोग, वहाँ पे जो स्थानीय हैं और जो दूर से जो चाहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं, जो उनको अंतिम संस्कार, अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो देंगे, और जो पारिवारिक विधि विधान के साथ जिस ढंग से अंतिम शव यात्रा निकाली जाती है, तमाम विधि विधानों के साथ वहाँ पर कर्म किया जाएगा, और वहाँ से जब काफिला निकलेगा और तो भाजपा कार्यालय आएगा, और आपको बता दूं कि अभी जो तिरंगे में लिपटे हुए सुशील मोदी के जो पूरा पार्थिव शरीर है वहाँ पे भाजपा का, बीजेपी का एक झंडा जो है वो भी रखा गया है, जो उन पर ऊपर से उड़ाया जाएगा बीजेपी के झंडे को, और एक सम्मान दिया जाएगा। वहाँ पे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद विधानसभा ले जाया जाएगा इनके पार्थिव शरीर को, और विधानसभा में जितने भी विधायक हैं और
तमाम जो लोग हैं वहां पहुंचेंगे। और खास बात यह है कि देखिए सुशील कुमार मोदी बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने चारों सदनों का एक ढंग से कहें कि वहां पे पहुंचे हैं, विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, कोई सदन ऐसा नहीं है जहां पे उनकी उपस्थिति नहीं रही है। तो वहां पे विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह उनको पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा जहां पे लोग पहुंच करके श्रद्धांजलि देंगे। और जब दीघा घाट पहुंचेंगे तो वहां पे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वहां पे पहुंचेंगे और बीजेपी के जो लोग हैं वो तो हैं ही लेकिन दूसरे दलों के भी जो तमाम बड़े नेता हैं वो श्रद्धांजलि देने घाट पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता हैं मरमाहत हैं ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार ने लंबी पारी खेली शासन में रहते हुए, मुख्यमंत्री सीएम तो नीतीश कुमार रहे तो डिप्टी सीएम के तौर पर काम करते रहे सुशील कुमार मोदी। और सुशील कुमार मोदी और बीजेपी से अलग भी अगर नीतीश कुमार हुए तो एक जो लगाव था वो समय दर समय सामने आता रहा। जब बीजेपी की और नीतीश कुमार की एक बार फिर से सरकार बनी जब तब भी चाहत थी कि डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी ही काम करे, तो ये एक बड़ा लगाव दिखता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक साथ समन्वय स्थापित कर काम करते रहे, वो शायद मुख्यमंत्री भी मिस कर रहे होंगे। जी निश्चित रूप से, और शायद आज के दिन में जिस ढंग से जितना मरमाहत नीतीश कुमार हैं शायद ही कोई होगा, क्योंकि वो जो दोस्ती है, वो जो आपसी संबंध है, वो जो आपसी जो बॉन्डिंग है वो बेहद खास था। क्योंकि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी और उस समय से लेकर के इस समय तक जब तक वो राज्यसभा में नहीं गए तब तक वो लगातार। चलिए बिल्कुल, तो आज सबकी आंखें नम है और याद किया जा रहा है सुशील कुमार मोदी को, सुमो भी उन्हें कहा जाता है। और एक ब्रेक